हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में किर्चॉफ्स करंट लॉ ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका सिक्स्थ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें किर्चॉफ्स करंट लॉ का सिक्स्थ प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द करंट्स I1 एंड I2 फॉर द सर्किट शोन बाय किर्चॉफ्स करंट लॉ। देखिए, ये सर्किट दिया है, ये सर्किट में ये करंट I1 I2 हमें फाइंड आउट करना है बाय किर्चॉफ्स करंट लॉ। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। लेकिन इसके पहले के प्रॉब्लम्स में और ये प्रॉब्लम में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ये प्रॉब्लम में देखो ये एक डिपेंडेंट सोर्स दिया है। इसके पहले हमने जितने प्रॉब्लम्स लिए थे कहीं पे भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं था, लेकिन ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग डिपेंडेंट सोर्स। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करते हैं और यहां पे किर्चॉफ्स करंट लॉ यूज करना है, इट मींस केसीएल यूज करना है। तो हमें सबसे पहले यहां देखना पड़ेगा कितने नोड है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऊपर में यहां पे दो नोड दिखाई दे रहे और नीचे में हमें दो नोड दिखाई दे रहे, ठीक है। तो ऊपर के जो दो नोड है उसको हम कहेंगे नोड 1 और नोड 2, और नीचे के नोड को नेमिंग देने की जरूरत नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि नीचे के नोड के अक्रॉस का पोटेंशियल जीरो होता है, क्योंकि नीचे का जो लिंक है वो हमें अर्थिंग करना होता है। तो ये देखो, नीचे का लिंक हमने अर्थिंग कर लिए। अर्थिंग करने से दोनों नोड के अक्रॉस का पोटेंशियल जीरो हो गया। यहां पे ऊपर में सिर्फ आपको दो नोड दिखाई दे रहे, ये दोनों नोड पे हमें केसीएल अप्लाई करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि केसीएल के प्रॉब्लम्स में जनरली नोड पे केसीएल अप्लाई करके इक्वेशंस तैयार करनी होती है, देन आफ्टर हमें सॉल्व करना होता है। तो यहां पे हम एक काम करेंगे, यहां पे दो नोड पे दो बार केसीएल अप्लाई करके दो इक्वेशंस अलग-अलग बनाने के बजाय हम एक काम करेंगे, यहां पे सिर्फ एक ही नोड कंसीडर करेंगे। क्या कहा हमने, दो नोड पे दो बार केसीएल अप्लाई करने के बजाय सिर्फ एक नोड कंसीडर करो और एक ही बार केसीएल अप्लाई करो, एक सिंगल इक्वेशन बनेगा और प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब ये दो नोड के बजाय एक सिंगल नोड कैसे कंसीडर करेंगे वो आप पहले समझ लो। जैसा आप सर्किट में देख सकते हैं यहां पर टोटल चार ब्रांचेस है, जिसमें दो ब्रांचेस में रेजिस्टेंस लगा है और दो ब्रांचेस में सोर्स लगा है, और यहां पे ये चारों ब्रांचेस जो है वो पैरेलल में है। अगर ये चारों ब्रांचेस पैरेलल में है तो हम एक काम कर सकते हैं, ये सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं और रीड्रॉ करके ये सभी चारों ब्रांचेस को एक सिंगल नोड में शो कर सकते हैं। कैसे शो करेंगे, चलो आपको सर्किट को रीड्रॉ करके पहले बताते हैं। तो ये देखिए, जैसा हमने कहा था, हमने यहां पे सर्किट को रीड्रॉ कर लिया है। ये जो सर्किट है इसी को रीड्रॉ करके हमने ऐसा बना दिए, और ये चारों ब्रांचेस पैरेलल में थे और यहां पे दो नोड दिखाई दे रहे थे। हमने ये दोनों नोड को कंबाइन करके एक सिंगल नोड यहां पे शो किया है। ये दोनों ब्रांचेस ऐसे वर्टिकल थे, हमने ये वर्टिकल से ऐसा उसको डायमंड शेप दे दिए ताकि एक सिंगल नोड आपको दिखाई दे। और यहां पर अब ये एक सिंगल नोड है, तो ये है नोड 1, और ये जो नीचे का नोड है ये तो अर्थ किया है, और अब हमें यहां पे केसीएल अप्लाई करना है। हम एक सिंगल नोड पे केसीएल अप्लाई करेंगे, ये नोड पे केसीएल अप्लाई करके एक सिंगल इक्वेशन बनाएंगे, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से हमें I1 I2 मिल जाएगा और प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो यहां पे हम केसीएल अप्लाई करेंगे। तो ये एक नोड पे अगर केसीएल अप्लाई करना है तो हम यहां लिखेंगे अप्लाई केसीएल एट नोड 1। नोड 1 पे हमें केसीएल अप्लाई करना है, तो नोड 1 के अक्रॉस का वोल्टेज हो जाएगा, हम इसको कहेंगे V1, और जो नीचे का नोड है इसके अक्रॉस का वोल्टेज 0। तो ये जो नोड है इसके अक्रॉस का वोल्टेज हम लेंगे, दैट इज V1, इसके अक्रॉस का 0 क्योंकि ये अर्थिंग है। और अब अगर हमें यहां पे केसीएल अप्लाई करना है तो टोटल यहां टोटल कितने ब्रांचेस है, देखो यहां टोटल चार ब्रांचेस है, 1 2 3 4, टोटल यहां पे फोर ब्रांचेस हैं, और सभी फोर ब्रांचेस में यहां पे करंट हमें दिखाई दे रहा है। ये जो ब्रांच है ये ब्रांच में से करंट फ्लो हो रहा है I1, ये ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है I2, ये ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर, और ये ब्रांच में जो करंट है वो है 4 ऑफ I2। यहां पर अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो ये क्या है, तो ये है करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। कैसे समझ में आ रहा है, देखो डिपेंडेंट सोर्सेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और दूसरा होता है डिपेंडेंट करंट सोर्स। आगे चल के ये दोनों के और दो दो टाइप होते हैं। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के दो टाइप होते हैं, कौन से, पहला है वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और दूसरा है करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। और डिपेंडेंट करंट सोर्सेज के दो टाइप क्या है, एक होता है वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स और दूसरा होता है करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। क्या कहा, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो ये है
करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, क्योंकि इसमें एरो दिया है इट मींस ये करंट सोर्स है और ये I2 के ऊपर डिपेंडेंट है इट मींस ये करंट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये हो गया करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। और अब हम यहां पे नोड 1 पे KCL अप्लाई करेंगे, तो चलो देखते हैं इक्वेशन क्या बनेगा। तो नोड 1 पे KCL अप्लाई करने के लिए आपको करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करना है, जो करंट नोड पे एंटर कर रहा है वो करंट हम नेगेटिव में लेंगे और जो करंट नोड से लीव कर रहा है उसको हम पॉजिटिव में लेंगे। ठीक है, क्या कहा हमने, एंटर, देखिए एंटर, जो करंट एंटर कर रहे हैं उसको हम निगेटिव में लेंगे और जो करंट लीव कर रहे हैं उसको हम पॉजिटिव में लेंगे। आप इसका उल्टा लेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल इक्वेशन एक ही बनेगा। तो चलो जो हमने कंसीडर किया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये जो करंट I1 है ये देखिए नोड 1 से लीव कर रहा है इट मींस नोड 1 से बाहर जा रहा है तो हम इसको पॉजिटिव में लेंगे, तो ये हमने I1 को पॉजिटिव में लिए। देन I2 को लो, चलो I2 को देखते हैं कि I2 एंटर कर रहा है कि लीव कर रहा है, तो ये जो I2 है ये V1 से नीचे अर्थ की तरफ जा रहा है इट मींस I2 जो है V1 से लीव कर रहा है दैट इज V1 से बाहर निकल रहा है, तो I2 को भी हम प्लस मिलेंगे तो प्लस ऑफ I2। ठीक है, और अब ये 5 एंपियर को देखते हैं कि ये नोड पे एंटर करता है कि लीव करता है, तो देखो इसका डायरेक्शन दिया हुआ है, इसका डायरेक्शन ऐसा अपवर्ड दिया है और ये आगे चल के ये नोड पे ये जो V1 नोड है इस पे एंटर करेगा, यहां से ऐसा ये देखिए ऐसा जाएगा, ये जो करंट है ऐसा नोड 1 पे जो है ऐसा एंटर कर रहा है इट मींस ये एंटरिंग करंट है, तो ये जो करंट है इसको हम नेगेटिव में लेंगे तो हम माइनस ऑफ 5 ऐसा लिखेंगे। और अब ये जो करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है इसका डायरेक्शन देखो, इसका डायरेक्शन ऊपर है और जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग ये जो करंट है ये नोड 1 पे ये भी एंटर कर रहा है, तो अगर ये एंटर करेगा तो ये भी हमें माइनस में लेना है, तो इसका वैल्यू क्या है माइनस ऑफ 4I2, तो हम लिखेंगे माइनस ऑफ 4I2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो फाइनली ये हमने ऐसा इक्वेशन बना लिए, हमने नोड 1 पे KCL अप्लाई किए और KCL अप्लाई करके ऐसा इक्वेशन बनाया। अगर आपने इसका उल्टा कंसिडरेशन किए तो भी चलेगा, अगर आपने एंटरिंग वाले पॉजिटिव लिए लीविंग वाले निगेटिव लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन ऐसा ही बनेगा, बस निगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा पॉजिटिव का निगेटिव हो जाएगा, यहां पे जहां प्लस प्लस है वो माइनस माइनस हो जाएगा और ये जो माइनस माइनस है वो प्लस प्लस हो जाएगा, लेकिन फाइनल आंसर एक ही आएगा। तो फिलहाल ये हमने ऐसा इक्वेशन बना लिया है और अब यहां पे I1 I2 कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए। सबसे पहले तो ये जो I2 और ये I2 है इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लो, तो ये हम लिखेंगे I1 और ये I2 और ये I2 ये हो गया माइनस ऑफ 3 ऑफ I2 और माइनस ऑफ 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और अब जैसा आप देख सकते हैं ये जो करंट I1 है ये V1 से नीचे 0 की तरफ जा रहा है इट मींस इसके एक साइड में V1 है और दूसरे साइड में 0 है। करंट फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो करंट I1 जो है ये V1 से जा रहा है तो ये हो गया हायर पोटेंशियल और ये हो गया लोअर पोटेंशियल, तो करंट I1 के लिए हम लिखेंगे V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1, तो ये हम I1 के लिए लिख रहे हैं V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1, ये हमने करंट I1 के लिए लिखा। करंट का फॉर्मूला है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, करंट I होता है दैट इज V बाय R, इट मींस आप कोई भी टाइप के करंट को V बाय R के फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर करंट I कही हो तो आप उसको V बाय R के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमने वही किया है, ये जो I1 है ये करंट I1 को हमने V बाय R के फॉर्म में लिखे दैट इज V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 इट मींस हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, तो ये हो गया वोल्टेज डिवाइड बाय ये रेजिस्टेंस 1, ये जो रेजिस्टेंस है वो हमने यहां दिए। देन ये माइनस ऑफ 3 I2, चलो अब इसको लिखते हैं माइनस ऑफ 3 I2 माने क्या होगा, ये देखो ये जो करंट I2 है ये भी V1 से 0 की तरफ जा रहा है इट मींस हम इसके लिए लिख सकते हैं V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5, तो हम ये लिखेंगे V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5, ओके, और ये माइनस ऑफ 5 इक्वल्स टू 0। देखो हमने I2 को भी बिल्कुल वैसा ही लिखे दैट इज I2 V1 दैट इज ये हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5, और अब ये पूरे इक्वेशन में देखो क्या यहां पे अननोन है, यहां पे V1 अननोन है, बस हमें इसको सॉल्व करना है और इसको यहां से V1 फाइंड आउट करना है, तो इसको सॉल्व करना काफी आसान है, ये हो गया V1, जस्ट अ मिनट, ये हो गया V1 माइनस ये हम यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3 ऑफ V1 डिवाइडेड बाय 5 और ये माइनस ऑफ 5 इक्वल्स टू 0। पूरे इक्वेशन को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा 5 ऑफ V1 माइनस ऑफ 3 ऑफ दैट इज V1 और माइनस ऑफ 25 इक्वल्स टू 0। पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पे 5 आएगा, यहां पे 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर का 5 कैंसिल हो जाएगा और यहां हो गया माइनस ऑफ 25। अब ये सॉल्व करेंगे 5 यहां पे 5 माइनस 3 तो ये हो गया 2 ऑफ V1 इक्वल्स टू 25। ठीक है, तो फाइनली यहां पे V1 हमें मिलेगा 25 बाय 2 ये हमें मिला दैट इज V1, और अब यही V1 का यूज करके हम आगे कंटिन्यू करेंगे और I1 I2 फाइंड आउट करेंगे। प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ है, ये हमें क्या मिला है, ये हमें वोल्टेज
मिल गया नोड वन के अक्रॉस, नोड वन के अक्रॉस का वोल्टेज हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन नोड के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करो ऐसा क्वेश्चन में लिखा था क्या? नहीं, क्वेश्चन में आई वन आई टू फाइंड आउट करने के लिए कहा था। अब ये आई वन आई टू हम इसी वी वन से फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो हम यहां पर आसानी से लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर दैट इज आई वन इक्वल्स टू वी वन बाय वन एंड आई टू इक्वल्स टू दैट इज वी वन बाय फाइव, ऐसा हम लिख सकते हैं। जैसा ये देखिए, हमने यहां पे भी वही किए। देखो आई वन माने क्या किए, वी वन माइनस जीरो बाय वन, वी वन माइनस जीरो बाय वन इट मीन्स वी वन बाय वन, इट मीन्स आई वन माने हो गया वी वन बाय वन। तो देखो हमने वही लिया है, आई वन माने वी वन बाय वन, और आई टू माने हमने क्या किए थे, आई टू की जगह हमने लिखे थे वी वन माइनस जीरो बाय फाइव, इट मीन्स इनडायरेक्टली वी वन बाय फाइव। तो हमने वही लिखा है आई टू माने वी वन बाय फाइव। बस यहां पे वी वन का वैल्यू पुट कर दो और यहां पे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये वी वन बाय वन इट मीन्स 25 बाय 2 बाय 1, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा 25 बाय 2 इट मीन्स 12.5 एम्पियर। तो फाइनली ये हमें करंट आई वन मिल गया कितना, 12.5 एम्पियर। और अब बिल्कुल इसी तरह से हमें आई टू फाइंड आउट करना है। ये वी वन बाय फाइव हमने फार्मूला लिख के रखा है और वी वन का वैल्यू हमारे पास है 25 बाय 2, तो हम लिखेंगे 25 बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे काफी आसानी से, 25 बाय ये हो जाएगा 10, इट मीन्स ये हो गया 2.5 एम्पियर। तो हमें ये क्या मिल गया, हमें ये I2 मिल गया। इट मींस क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द करंट्स I1 एंड I2, तो वो हमने यहां फाइंड आउट कर लिए। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। काफी सिंपल प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए बाय यूजिंग करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था किरचॉफ्स करंट लॉ दैट इज KCL का प्रॉब्लम नंबर 6। इसके पहले जो हमने इसके 5 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।